नहीं ओप्पो रेनो 5G भैया, ओप्पो रेनो 5G थोड़ा टाइम में कंफर्म करके बता देंगे चलेगा क्या? इतना देर में थोड़ा टाइम में 10 मिनट में बताते हैं कंफर्म करके। हम रास्ता चल रहे थे, हम पुलिस लाइन में थे, ये बच्चा मिल गया हमको, बोला आपका डिस्प्ले टूटा हुआ था, बोले हाँ बनाने ही जा रहे थे, बोला मेरा दुकान है बना लीजिए जाके। तो सही मोबाइल का दुकान है आपको। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी शाम का टाइम, ब्लॉग को स्टार्ट किए हैं, वो भी आज थोड़ा सा भाग दौड़ में चल रहा है लाइफ, इस वजह से नहीं ब्लॉग मेरा कंटिन्यू जा रहा है। इससे पहले अभी हम चल रहे हैं बाजार, हम और मेरा भाई दोनों साथ में, तो बाजार चल रहे हैं इसलिए कि बाजार में पहला नंबर जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, ये इस मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया है और इस डिस्प्ले का कीमत लमसम 9500 रुपये इसका खर्च है। एक बार इस पे पहले भी डिस्प्ले चेंज करा चुके थे, तो इसके डिस्प्ले चेंज कराने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी आ रहा रोड क्रॉस है, तो इसका डिस्प्ले चेंज कराने जा रहे हैं। और डिस्प्ले जब अगर चेंज हो जाता है तो मेरा ब्लॉग कंटिन्यू जाएगा, और नहीं चेंज होता है तो फिर हमको आईफोन लेना होगा। आईफोन के लिए अपडेट देंगे अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, कि आईफोन ले रहे हैं या नहीं। लेकिन अभी तो फिलहाल जा रहे हैं बाजार, और बाजार से चल करके चलते हैं, पहुंचते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कितना पैसा यूट्यूब से आता है नहीं आता है। और क्या बोला छोटू, डिस्प्ले हो गया ना? देखो बच्चा ही बता रहा है, एक मिनट, ये डिस्प्ले टूटा हुआ है ना? डिस्प्ले चेंज होगा, होगा ना? हाँ, तो एक्चुअली मैं गाइस बता दिया आप लोग को, बच्चा भी दूरी से देख लिया मेरा डिस्प्ले टूटा हुआ है, डिस्प्ले टूटा हुआ, डिस्प्ले चेंज ही कराने जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? दुकान में। कहा? अम्बेडकर मार्केट। कहाँ है यहाँ से? चलेंगे। क्या पापा देते हैं, भाई देता है? अच्छा भैया देता है, क्या नंबर है उसका? लो बात करा, बात पूछते हैं कितना पैसा लेगा। लगाइए तो फोन। तो बताइए, यहीं पे मिल गया बच्चा, इसका दुकान है, अब डिस्काउंट मिलेगा ना? हाँ, टेम्पल लगा देंगे। टेम्पल नहीं लगेगा, डिस्प्ले लगेगा। डिस्प्ले लगा के टेम्पल। हाँ, कौन सा मॉडल है? ओप्पो रेनो 5G। ओप्पो रेनो 5G। हाँ, ऐसे हम पटना में ही लगाते हैं, ठीक ना? पटना जाते हैं अभी। वाह, रिंगटोन क्या नाम है तुम्हारा? अंकित कुमार। अंकित कुमार कहाँ घर है? यही है। हाँ। कौन सा घर है? इस साइड है। हाँ, पढ़ने जाता है? ओप्पो रेनो 10 जूम है। नहीं, ओप्पो रेनो 5G प्रो। ओप्पो रेनो 5G प्रो। हेलो, अरे कि वे ओप्पो रेनो 5G प्रो का नहीं, नहीं ओप्पो रेनो है 5G। ओप्पो रेनो 5G प्रो। प्रो नहीं, ओप्पो रेनो 5G भैया। ओप्पो रेनो 5G थोड़ा टाइम में कंफर्म करके बता देंगे चलेगा क्या? इतना देर में थोड़ा टाइम में 10 मिनट बताते हैं कंफर्म करके। हम रास्ता चल रहे थे, हम पुलिस लाइन में थे, ये बच्चा मिल गया हमको, बोला आपका डिस्प्ले टूटा हुआ था, बोले हाँ बनाने ही जा रहे थे, बोला मेरा दुकान है बना लीजिए जाके। तो सही मोबाइल का दुकान है आपको, सही बोला। तो ऐसे हम देखिए, हमारा घर पटना हुआ, ठीक ना? और यहाँ पे हम जॉब करते, तो हम इससे पहले भी एक बार टूटा था, तो हम बाकड़गंज में लगाए थे, उससे तो ओरिजिनल लगाए थे, लेकिन इस बार ओरिजिनल नहीं लगाना चाह रहे, सोच रहे जाते बाकड़गंज में लगा लेते, लेकिन अगर आप सही रेट में दे दीजिए तो आप ही लगवा लेंगे। बाकड़गंज में ओरिजिनल भैया शुरू में ही लगता है? ओरिजिनल बाकड़गंज में नहीं, ओरिजिनल हम शोरूम में भागलपुर में लगवाए थे, हम लोग की ड्यूटी इधर उधर होता है ना, तो अगले बार टूटा तो भागलपुर में सर्विसिंग सेंटर में जाकर चेंज करवाए थे, 95,000 दिया। नहीं, मार्केट में तो इस बार तो हम डुप्लीकेट लगाने के लिए सोच रहे थे, बाकड़गंज जाएंगे वहाँ डुप्लीकेट लगा लेंगे। ओप्पो हम बता देंगे, थोड़ा टाइम में कंफर्म कर देते हैं कि ओप्पो रेनो 5G का जो है ना, 5G का थोड़ा सा रेट करके हम तो कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करके बताइए, इसी पे कॉल कीजिएगा, इस नंबर पे। हम 2 मिनट में बताते हैं। अच्छा ठीक, वेट कर लेते 2 मिनट में। ठीक, आप दुकान दिखा देंगे। क्यों इतना लाती है, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा ना? बोलो बोलो ना। हाँ, प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट होगा, ज्यादा डिस्प्ले में थोड़ी प्रॉफिट नहीं होता। तुम ही दुकान पे बैठता क्या? हाँ, भी हम खाते। अरे यार, इसीलिए इतना फास्ट है तू, फटफट बोल रहा है क्या? तो बच्चा अपना खुद को दुकान चला रहा है ना, अब मेरा ब्लॉगिंग चल रहा है, ब्लॉग करते हैं। यूट्यूब चैनल? हाँ। कौन सा चैनल है? अरविंद चौरसिया ब्लॉग। हाय बोल दो। हाय। हाय, लग रहा है भाग रहा है मार्केट। चलेंगे दुकान दिखा देंगे आपको। तो मार्केट में आ गया छोटू, दुकान आ गया, दुकान है
और दुकान भी आ गए हैं। फोन आप अपना लीजिए, आपका फोन से हम ब्लॉगिंग कर लेंगे, इस फोन को डिलीट कर रहे हैं। ये देखो छोटू जो लेकर आया है यहाँ पे बैठा हुआ अभी, और दुकान का ओनर हो गया, अभी तो हमसे दोस्ती कर रहा था। मेरा ही काम कर रहे भैया, मोबाइल लाइए तो मोबाइल निकाल दिया डिस्प्ले, अभी निकला नहीं, एक बार दिखाते हैं ऐसे डिस्प्ले उठ जाओ। अरे तरह का सट जाता है मोबाइल तो। गाइस देखिए मेरा मोबाइल का डिस्प्ले आप देख सकते हैं कैसे टूट गया था, बिल्कुल ये बिल्कुल ऊपर से काला होते जा रहा था यहाँ तक, अब इससे ना ही वीडियो बन पा रहा था हमसे और ना ही एडिटिंग कर पा रहे थे। मेन सबसे ज़्यादा समस्या एडिटिंग में आ रहा था, इस वजह से हमको चेंज करना ज़रूरी हो गया। हालांकि बहुत जल्द एक नया खुशखबरी आप लोग को लेकर आने वाले अगले ब्लॉग में मिलेगा देखने को। तो ये देखिए पहले उसको गर्म कर रहा है, गर्म करेगा छोड़ देगा अपने आप। भैया फिर प्रॉब्लम नहीं होगा मतलब ऐसे? और नहीं नहीं वो नहीं करे, ऑर्डिनरी जैसे जैसे ओरिजिनल है। डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं करता, ऑर्डिनरी डिस्प्ले है, ओरिजिनल में इतना है कि अपना सब सब दिमाग में एक बात आता है कि हम ओरिजिनल यूज कर रहे हैं। ऑर्डिनरी में क्या है कि हल्का सा ग्राफिक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि कुछ ब्राइटनेस या फिर स्क्रीन का जो आपको ग्राफिक्स का जो रिजोल्यूशन होता है बस थोड़ा सा परेशानी है, तो नहीं तो आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा। मतलब टचिंग में नहीं कोई डिस्टर्ब है? स्लो हो जाना ये आपको सिर्फ इतना ही रहेगा कि हम ऑर्डिनरी यूज करें आपको पता है, हमको पता है, बाकी दूसरा आदमी नहीं बता नहीं। हाँ अच्छा यही होता है। अच्छा ये खाली होगा कन्फ्यूजन वाला रहता है ना, ज्यादा ये नहीं होता है, बस कस्टमर बहुत आदमी 9000 क्यों खर्च करे, 9000 मोबाइल मिल जाए। 9500 इससे पहले लगा, 9500 रुपया लगा है। 9500 तो भाई डिस्प्ले चेंज मतलब ऑर्डिनरी लगाने का मेरा कुछ वजह है, अभी बजट पूरा कंप्लीट नहीं है इस वजह से ऑर्डिनरी ही लगा रहे हैं। इससे पहले लगाए थे जो कि न्यू लगाए थे, मतलब कंपनी का ही लगाए थे, तो 9500 लगा था और इस बार ऑर्डिनरी में मात्र हमको 1100 के आसपास लग रहा है। जो तो जो भी है बोले मैनेज कर लीजिएगा भैया, अब क्या लेंगे वो जो लेंगे वो देंगे उनको। और ऐसे भी मोबाइल जो है कि साल भर पुराना हो गया, ये वजह मेन वजह ये है कि एक साल का हो गया मोबाइल, तो सोचे चलो लोकल ही लगा देते हैं, जितना दिन खिंचाएगा खिंचाएगा उसके बाद में और देख लेंगे, और जैसा होगा तो आईफोन लेने वाले हैं, मन मतलब मन बनाए हुए हैं, बट कब होता है इस पूरा इस मन को देखते हैं। तो गाइज फाइनली देखिए मोबाइल अभी बना लिए हैं, और मोबाइल को अभी रबर का बटाएंगे भैया, आधा घंटा हटा लेंगे ना, तो एक्चुअली में भी जो हम ब्लॉगिंग करें दूसरे साथी के मोबाइल से, भाई के मोबाइल से ब्लॉगिंग करें, हमारा मोबाइल अभी ये है, और ये मोबाइल जब कंफर्म और क्लियर हो जाएगा आधा घंटा बाद, तो फिर जो कुछ एडिटिंग वगैरह सारा इसी से करेंगे अब, लेकिन ब्लॉगिंग अभी इनसे चल रहा है। चलो तो दोस्त आ गए अपने कैंपस, मोबाइल को बना लिए हैं, मोबाइल बना करके अभी जस्ट आए हैं कैंपस में। हालांकि बाज़ार आज हम गए थे मोबाइल बनाने के लिए, दूसरे काम से गए थे कि एक जगह पे कल जाके घूमे थे जहाँ पे कुछ गरीब लोग मजबूर लोग वहाँ पे रह रहे थे, तो सोचे आए वहाँ पे चल के अपने साथियों के साथ चले थे कि वहाँ पे चल के उन लोगों के साथ समय दें, उन लोगों के साथ समय दे करके हम बिताएंगे, इंजॉय करेंगे और उनके साथ खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे कुछ डोनेट करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, हम अपने बीच रास्ते से मेरा समय रास्ता कट गया और चले गए फ़ोन बनाने के लिए। चलो ये भी ज़रूरी था, फ़ोन बना लिए। तो अब आप इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जो भी मेरे नए चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे